हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल बच्चों, आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंक स्पीयर्समैन मेथड में। हम जो बाकी का एक केस जो हमारा रह गया था, हमने देख लिया था कि तीन केस होते हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। तो एक हम दो जो केसेस थे वो हम अपनी लास्ट वाली वीडियो में कवर अप कर चुके थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जब रैंक्स गिवन होती है तब हम कैसे रैंक मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, और जब रैंक्स गिवन नहीं होती है तब हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं रैंक मेथड से। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड मेथड की, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर हमारे रैंक्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि अगर हमारे जो रैंक्स हैं वो रिपीटेटिव हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तब हम कैसे हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। एक तो ये चीज़ समझेंगे, और हम ये समझेंगे कि अगर बाय चांस हमारे किसी कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी कोई हो जाती है और हमने कोई वैल्यू जो है वो गलती से कुछ और की जगह कुछ और ले ली है, तो उसको करेक्ट करने का कौन सा तरीका है, जो बेसिकली एक स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो हम दोनों ही केसेस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो के साथ में हम लोग चैप्टर नंबर 11 मेजर्स ऑफ कोरिलेशन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और जैसे कि हम ये प्रैक्टिस करते हुए आ ही रहे हैं, तो आज की वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसका पीडीएफ वो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिंक को क्लिक करके वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ ज़रूर उसको भी शेयर करना, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिले और फिर उनको मालूम चले कि हाँ भाई, एक चैनल ऐसा भी है जहाँ पर इस तरीके के स्टडी मटीरियल जो है विद आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ के संग में आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये ध्यान रखना, आपको फॉर्मूले की जो पीडीएफ है, फॉर्मूले का जो शीट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, सिंपल जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, बिल्कुल वही है। ठीक है, दो नंबर्स हैं, उसी तरीके से हमें गिवन है, दो यहाँ पर हमें नंबर्स दे रखे हैं, बेसिकली यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे हमें यहाँ पर रैंक्स जो हैं वो देनी है, और फिर आगे हमें फर्दर कैलकुलेशन करना है। आपको यहाँ पर कुछ चेंज इन फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा कुछ ऐसा बड़े फॉर्मूले को देख के घबराना नहीं है, बहुत ऐसा कुछ बड़ा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, हमारा वही फॉर्मूला चल रहा है जो पहले था, बस इसमें थोड़ा सा एक ऐड ऑन ये हो गया है कि 1 + 12 / m³ - m और उसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है एक या एक से ज़्यादा बार, तब वो हमें यहाँ पर आता है। तो ये m बेसिकली क्या है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, c है, समेशन ऑफ d स्क्वायर है, बस यहाँ पर ये चीज़ है जो एक एड ऑन हो गई है। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, वो हम समझते हैं। ठीक है, कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, तो एज़ यूजुअल हमें रैंकिंग देनी है, रैंकिंग जो हाईएस्ट नंबर है उसके हिसाब से हम देंगे, तो हाईएस्ट को हम फर्स्ट रैंकिंग देंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्स वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बात कर लेते हैं, तो सबसे हाईएस्ट है 24, तो यहाँ पर हम दे देंगे 1। ठीक है, फिर है 23, तो ये आ जाएगा 2, फिर है हमारा 19, लेकिन बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 19 है वो दो बार आया है। ठीक है, यानी कि ये हमारे कौन से नंबर की रैंक्स जो है वो ऑक्यूपाई करने वाला है, 1, 2 तो हो गया, 3 और 4 नंबर की ये हमारी रैंक्स को ऑक्यूपाई करेगा हमारे सीरीज में। ठीक है, दोबारा से समझेंगे, यहाँ पर अगर कोई और नंबर गिवन होता तो हम थर्ड इसको देते, फोर्थ इसको देते, या थर्ड इसको देते, फोर्थ इसको देते। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये हमारे दो रैंक्स को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। सही है, तो इसी के बेसिस पे हम इसके रैंक देंगे, कैसे देंगे, 3 और 4 हमारा ये रैंक ऑक्यूपाई करता अपॉन 2। ठीक है, अगर इसी जगह 2 की जगह 3 नंबर होते, 3 बार हमारा 19 रिपीट हो रहा होता, तो 3 + 4 + 5 / 3। ठीक है, एक एवरेज हम यहाँ पर निकाल लेते। ओके, तो अब ये हम 2 लेंगे, तो ये 7/2, तो 3.5, तो ये हम दोनों को अपना रैंक दे देंगे, 3.5 और 3.5। समझे, तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर रिपीट वाले जो नंबर्स होते हैं उसको रैंकिंग देते हैं। तो 3, 4 तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये हटा दो। अब 3, 4 के बाद 5 से रैंकिंग शुरू होगी, तो 5 हम इसको दे देंगे और 6 हम इसको दे देंगे, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार और हम वाई सीरीज को भी रैंकिंग देते हैं, तो उसमें अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा नंबर जो है हाईएस्ट है वो 22 है, और वो हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारी कौन सी यहाँ पे ये नंबर्स जो है रैंक्स जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 और अपॉन 2, तो ये हो गया
3/2, तो हम इसको दे देंगे 1.5 रैंकिंग, ठीक है। तो 22 को हम 1.5 रैंकिंग दे देंगे, तो 1 और 2 तो हमारे गए, अब जो रैंकिंग चलेगी वो 3 से चलेगी, तो ये आ गया 3, फिर आ जाएगा 4, देन 5 एंड देन 6, सिंपल, ठीक है। अब जब रैंक्स आ गई तो सारी चीज़ें वही हैं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम अपना डी निकाल लेंगे, तो डी निकलता है R1 माइनस R2, तो ये कर लेते हैं 0.25 माइनस का 0.5, सॉरी ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, नहीं माइनस की ही रहेगा, माइनस देन माइनस पॉजिटिव 3, देन माइनस 3, देन पॉजिटिव का 2, एंड देन लास्टली हमारा ये आ गया 1। अब इसका स्क्वायर हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 का हो जाएगा 6.25, इसका हो जाएगा 0.25, देन दिस विल बी 9, 9, 4 एंड 1। अब इसका हम समेशन निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे अपने फॉर्मूले की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। 9 + 9 = 18, 18 + 4 = 22, 22 + 1 = 23, 20। अब इसका हम सबमिशन टोटल कर लेंगे बेसिकली, तो क्या होगा 9 = 18, 18 + 9 = 18, 18 + 4 = 22, 23, 23 + 6 = 29.50, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, भाई डेसिमल का एडिशन कर रहे हैं डेसिमल, ठीक है, तो यानी 6 से ये सारी चीज़ें, ये डेसिमल से पहले की है ना, तो ये सारी 6 से ऐड पर प्लस होगी, और 0.25 और 0.25 एक अलग होगा, तो वो 0.50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ख़त्म, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में चलते हैं और समझते हैं ये एम क्यूब एम क्या है ये चीज़। तो 6 आ गया, ठीक है, समेशन क्या है 29.50 प्लस 1/12 है, फिर m, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा x सीरीज़ में जो नंबर था ना बच्चों, वो कितनी बार रिपीट हो रहा था, वो 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है, एक तो हमारा यहाँ था और एक यहाँ था, तो 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब और माइनस 2, ठीक है। अगर इसी जगह 19 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा होता, तो वो आ जाता यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस 3, मतलब जितनी बार हमारा रैंक्स जो है वो रिपीट हो रहा है, वो नंबर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो पहले वाला जो m का सेक्शन है वो तो x सीरीज़ के लिए आएगा, और दूसरे वाले m का जो सेक्शन है वो y सीरीज़ के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/12, और हमारा सेकेंड वाली सीरीज़ में जो है वो 22 जो था वो कितनी बार रिपीट हुआ था, अगेन वो भी 2 बार ही हुआ था, तो ये आ गया 2 का क्यूब माइनस 2। तो वाई वाली सीरीज़ में जो तो हमारा 22 था वो भी 2 बार रिपीट हुआ था, इसलिए 2 का क्यूब माइनस 2। अगर वही 22 हमारा 3 बार रिपीट होता, तो 3 बार रिपीट होता तो वो 3 का क्यूब आ जाता, ठीक है, बस ख़त्म। और ये तो हम पहले ही जानते हैं n, n हमारा 6 आएगा क्योंकि हमारी रैंकिंग 6 बैठ रही थी, तो 6 - 6, ठीक है। और इसको हम फर्दर पूरे को सॉल्व कर लेंगे, 29.50 प्लस 1/12, 2 का क्यूब विल बी 8, 8 - 2, 8 - 2 विल बी 6, तो ये आ गया, फिर 1/12 अगेन 6, 6 से ये कट गया 1, 2, 1, 2, ठीक है, अपॉन में आ गया 6 का क्यूब, 6, 6 = 36, 36, 6 = 216 माइनस 6 हो जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है। 1/2 यहाँ पर बचता है, जिसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं 29.50 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, 1/2 को मैंने 0.5 और इस वाले 1/2 को 0.5 लिख लिया, इजी हो जाएगा हमें ये सॉल्व करना, और ये दो, ये हो गया 210, सिंपल, ठीक है। तो ये 1 माइनस ये हो गया आपका 30.50 अपॉन 210, और इसको फर्दर सॉल्व हम कर लेंगे, इनको इससे डिवाइड करके 1 से माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा, लेकिन हम यहाँ पर क्या भूल गए, यहाँ पे 6 तो हम भूल ही गए, ठीक है। तो ये पूरा था, ये 6 आ गया, अगेन यहाँ पर 6 है, तो अगेन यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.128, यानी कि अगेन हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन लोअर साइड का पॉजिटिव है, ठीक है, 0.5 से भी बिल्कुल कम इसकी डिग्री आ रही है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप कोरिलेशन का, लेकिन बहुत ही लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम जब रैंक्स जो हैं वो रिपीट होती है, तब इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगेन एक फटाफट से एक रिवीजन मारेंगे कि ये एम हमने क्या लिया था, जो एक्स सीरीज़ में हमारा जो नंबर इतनी बार रिपीट हुआ था वो हमने लिया था, हमारा 2 बार 19 रिपीट हुआ था, तो 2 बार हमने यहाँ पे 2 ले लिया,
और इसी तरीके से वाई वाली सीरीज़ में 22 भी हमारा दो बार रिपीट हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 ले लिया था। बस यही हुआ रहा, एक चेंज हुआ था हमारा, बाद बाकी हमने सारी वही कैलकुलेशंस करी है, वही सेम फॉर्मूला है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये जो तरीका है, जो ये आपका रैंक्स जब रिपीट होती है जो निकालने का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ही ईजी भी लगा होगा। अब बच्चों हम एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में गलती हो गई है, ठीक है। तो जैसे हम करेक्टेड मीन वाला निकालते थे, वही तरीका यहाँ पर भी है भाई, हमें कोरिलेशन को भी करेक्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है, रैंक मेथड में। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन मैंने ये स्टेटमेंट बेसिकली आता है यहाँ पर, मैंने जो मुद्दे की चीज़ है बस वही नोट डाउन कर रखी है, ठीक है। लेकिन जो करेक्टेड मीन वाले में था उसमें क्या फॉर्मूला बिल्कुल अलग हो जाता था, यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि 10 बच्चों का कोरिलेशन निकाला है सब्जेक्ट अकाउंट्स के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स में, ठीक है, निकाल लिया। तो उसके हिसाब से हमारा कोरिलेशन निकला है 0.8 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमारे 10, सिंपल, ठीक है। आगे चल के पता चलता है कि किसी एक बच्चे का जो रैंक था बच्चों, वहाँ पर एक गलती ये हो गई थी कि 7 हमने रैंक दे दी थी किसी मार्क्स के सब्जेक्ट में, जबकि देना हमें 9 था। समझे, यहाँ तक समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमें इसको करेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल फॉर्मूला है हमारे पास। क्या क्या गिवन है, हमें आर गिवन है, 1 माइनस तो है ही है, 6 मल्टीप्लाइड बाय समेशन डी स्क्वायर जो कि हमें गिवन नहीं है, एन हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो चलो ठीक है, जो हमें जो गलत जो किया है उसके हिसाब से पहले हम समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आर हमें 0.8 गिवन था, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर हम निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया हमारा 10 का क्यूब माइनस 10, ठीक है, 0.8 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 990 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो क्या रहेगा भाई, 0.8 ठीक है माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस समेशन डी स्क्वायर अपॉन 990, ठीक है। इसको हम करते हैं तो 0.2 आ जाएगा माइनस का इक्वल्स टू माइनस, ये आ गया ठीक है 990, माइनस से माइनस कट जाएगा, समेशन डी स्क्वायर रह जाएगा, तो 990 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 अपॉन 6 इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 33, ठीक है। तो हमारा जो रॉन्ग जो डेटा था उसके हिसाब से हमारा जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर है वो आ जाएगा 33, ठीक है। अब देखो, अब मेन मुद्दा काम जो है अब शुरू होता है, ठीक है। अब हमें मालूम है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको करेक्ट करने का कौन सा तरीका है, अब हम करेक्ट वाला निकालेंगे भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा समिशन जो डी स्क्वायर है, ठीक है, उसमें हम माइनस करेंगे जो हमने गलती से लिख लिया था उसका स्क्वायर, और जो करेक्ट है उसका स्क्वायर, ठीक है। हमने जो गलती से लिख लिया था जो कि था 7, उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, और प्लस जो हमने सही, जो हमें एक्चुअली में रैंक जो लेनी थी वो स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारा 33 माइनस 49 प्लस 81, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस 49 11 2, ये आ गया 73, ठीक है। तो 33, 32, तो ये आ गया 65। तो करेक्ट वाला जो हमारा जो एक्चुअली जो समिशन जो डी स्क्वायर है सही वाला, वो ये होना चाहिए था, ठीक है। तो हमने ये क्या निकाला, करेक्टेड समिशन डी स्क्वायर ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो सही डेटा के हिसाब से समिशन डी स्क्वायर होना चाहिए था वो था। आई बात समझ में यहाँ तक। अब हमारा क्या काम होता है, जब हमने डी स्क्वायर करेक्ट निकाला है तो उसी के हिसाब से हमें जो हमारा कोरिलेशन है वो भी करेक्ट निकालना चाहिए, करेक्ट डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब बस हमारा आगे का काम वही रह जाता है, लास्ट 1 माइनस 6 सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। देखो बच्चों के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो वो तो ऐसे ही रहेगा, नया वाला जो हमने निकाला है करेक्ट वाला वो आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1000 इस तरीके से आ जाएगा, 1 माइनस
मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 3 6 6 36 390, नीचे आएगा 990, और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो नया वाला जो करेक्ट वाला जो है कोरिलेशन वो आ जाएगा बच्चों 0.606। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो नया डेटा है उसके हिसाब से करेक्ट वाला कोरिलेशन। ठीक है, अब फटाफट से एक रिवीजन करते हैं कि आपने पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। लेंथी था लेकिन इजी है, लॉजिकल, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो गलत डेटा हमें गिवन था उसके हिसाब से हमने जो समेशन डी स्क्वायर है वो निकाल लिया, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें गिवन नहीं थी। ठीक है, वो हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया, 33 निकाल आया। अब हमें करेक्टेड जो डेटा है उसके हिसाब से हमें डी स्क्वायर निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो गलत नंबर हमने, जो गलत रैंक थी उसको माइनस कर दिया और जो सही रैंक थी उसको ऐड कर दिया। लॉजिकली भी हम यही करेंगे ना, जो डेटा हमने गलत ले लिया है उसको हटा दो और जो सही है उसको रख लो। ठीक है, तो वही किया है हमने, जो ओल्ड जो गलत वाला जो हमारा डी स्क्वायर आया था उसको हमने लिया, उसमें से हमने गलत वाला जो रैंक था उसका स्क्वायर हमने माइनस कर दिया और करेक्ट वाला जो रैंक था उसका स्क्वायर हमने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा भाई निकल आया करेक्ट समिशन डी स्क्वायर। अब जब करेक्ट समिशन डी स्क्वायर निकाला है तो करेक्ट डेटा के हिसाब से हम कोरिलेशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो उस कोरिलेशन में भी हमने जो सेम फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, नए वाला जो हमारा करेक्ट डी स्क्वायर था वो रख के हमने हमारा जो कोरिलेशन है वो निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर हमें गलत हमने कर दिया है, आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे आज वाले। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नए चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 12, और वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का। ठीक है, तो उसके साथ हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब आगे का जितना भी टाइम है वो हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने में हम डाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है मार्च तक, हमें सिर्फ 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 रिवीजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो उसी से ही हमें सारे फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे और हमारे न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट तो ज़रूर करें अगर आपका कोई डाउट हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मेरे को शेयर करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है PDF फॉर्मूले का वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।